भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने भारत की पहली पारी में 212 गेंदों में 120 रन बनाए। अपनी पारी में रोहित ने 15 चौके और 2 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने टेस्ट में पहला शतक लगाया है। हिटमैन ने अपनी पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। एक खास रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने साथ जोड़ा वो ये है कि रोहित अब घरेलू मैदान पर कम से कम 20 पारियां खेलने वाले खिलाड़ियों में दूसरे सर्वश्रेष्ठ औसत वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ा। रोहित ने अब तक भारत में 46 टेस्ट की 78 पारियों में 3,257 रन बनाए हैं। वहीं बाबर ने अपने घरेलू मैदान पर 13 टेस्ट की 23 पारियों में 71 की औसत से 1,491 रन बनाए हैं। घरेलू मैदान पर कम से कम 20 पारियों में रोहित से ज्यादा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।